क्या 6 महीने चलेगा किसान युद्ध? महीनों का राशन लेकर आंदोलन करने क्यों आए किसान? किसान आंदोलन में खालिस्तान का क्या काम? किसानों की मांगों पर अमित शाह का बड़ा बयान क्या है? देखिए टॉप 9 अन्नदाता का आक्रोश। भाकियू नेता राकेश टिकौत भी किसानों का एक बड़ा काफिला लेकर दिल्ली की दहलीज पर पहुंच गए। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में जबरन दाखिल होने की कोशिश की। इस काफिले में मेरठ, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, बिजनौर, शामली समेत कई जिलों के किसान शामिल हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का काफिला पूरी तैयारी के साथ डटा है। ट्रॉली के अंदर रहने खाने और राशन का पूरा इंतजाम है। चाय चल रही है, खाना चल रहा है और सारा राशन इनके साथ में है। आप देखिए ट्रैक्टर के भीतर आपको ये ट्रॉली में प्याज आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शाम को खाना भी बनना है। तो राशन है, बोरियों में राशन भी है और बड़े बड़े बैगों में कपड़े लेकर साथ में किसान भाई चल रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम में हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सिंधु बॉर्डर अभी भी दोनों ओर से बंद है, कृपया वैकल्पिक मार्ग चुनें। बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में जमे किसानों ने दो टूक कह दिया है कि वो कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन पर डटे रहेंगे। वो हर हाल में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा एजेंडा है, तीन जो काले कानून बने हैं उनको रिजेक्ट कराना है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। किसान नेता हरिंदर सिंह ने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे और हर दिन सुबह 11 बजे बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। अमृतसर से किसानों के एक बड़े काफिले ने दिल्ली के लिए कूच किया। पटियाला में इस काफिले के किसानों ने बताया कि उनके पास कई महीनों का राशन है और वो दिल्ली को ठप कर देंगे। दिल्ली नो पूरी नो केर के जाम करके ऑर्डिनेंस रद्द कराने तक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसानों की मांग पर विचार करने के लिए तैयार हैं। जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन का कनेक्शन खालिस्तान से बताया है। उन्होंने खुलासा किया कि आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों के सुराग मिले हैं। इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के बहाने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बड़ी ही दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज सरकार के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है।